एमआईडीसी थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना सामने आई। 4 वर्ष की बच्ची उबलते पानी के बर्तन में गिरकर पूरी तरह झुलस गई। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। युवक कांग्रेस ने गांधीनगर तालाब परिसर में बनाई गई खाओ गली को फिर से शुरू करने की मांग नए महापौर दयाशंकर तिवारी से की है। यशोधरा थाना क्षेत्र में सोमवार की रात एक अपराधी की हत्या कर दी गई। पांठेला लगाने के कारण व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा के चलते उसे मौत की घाट उतारा गया। अश्विनी थाना अंतर्गत हवरापेट परिसर के चंद्रनगर में हुई अपराधी सुमित पिंगले की हत्या के मामले में तीनों आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। 16 जनवरी से जिले में भी कोरोना वैक्सीन लगना शुरू कर दिया जाएगा। इस संदर्भ में जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे एवं जिप्सियों ने अधिकारियों की बैठक लेकर जिले के ग्रामीण भागों में तैयारी की समीक्षा की और उचित दिशा निर्देश भी दिए। तेल के दाम को कम करने की मांग को लेकर राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस की ओर से केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ आंदोलन किया गया। विनय कुमार गजवी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए DRN चैलेंज ऑनलाइन रैपिड चेस टूर्नामेंट का खिताब किया अपने नाम। देहगांव रंगारी के महाराजा लॉज हत्याकांड की सत्यता को उजागर करने के लिए नागपुर ग्रामीण पुलिस द्वारा गिरफ्तार की गई युवती की पॉलीग्राफी जांच कराई जाएगी। ग्रामीण पुलिस ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। सोमवार को पुलिस जिमखाना में आयोजित दूसरे चरण में गृह मंत्री अनिल देशमुख ने 75 शिकायतों पर सुनवाई की। इसमें ज्यादातर शिकायतें संपत्ति के विवाद से जुड़ी और भूमाफियों के खिलाफ थी। सरकार की ओर से जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार मेयो मेडिकल डागा और एम्स अस्पताल के अलावा मनपा के सदर डायग्नोस्टिक सेंटर महल केटी नगर और पाचपावली अस्पताल मिलकर शहर में कुल 8 सेंटर्स में टीके लगाने की गई है व्यवस्था।